फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 60 के मोहल्ला शरीफाबाद की गली नंबर 2, 3 और 4 एवं मोहल्ला मक्का कॉलोनी बिलाली मस्जिद मुख्य मार्ग व एवं लिंक गलियों में पानी की समस्या से तंग आकर क्षेत्रीय वासिंदे जलकल के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ ही कहा पेयजल समस्या का समाधान न होने तक उनका धरना जारी रहेगा। बताया गया उक्त क्षेत्रों की जनता 19 दिसंबर 24 दिसंबर और 10 जनवरी को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर तथा लिखित रूप से अवगत करा चुकी है, पर अफसोस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। उनका कहना था कि समस्या का समाधान न होने तक वे धरने पर बैठे रहेंगे, नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया तो ये धरना जारी रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है और मैं नगर निगम मुरादाबाद के वार्ड नंबर 60 से पूर्व सभासद हूं। आज आप जलकल विभाग के बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर आप ये धरना है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, पानी की समस्या को लेकर हम यहाँ धरना बैठे हुए हैं। और धरना पर बैठने की वजह यह है कि पिछले एक महीने से ये सब लोग आ रहे हैं बराबर कंटिन्यू। आज हम चौथी मरतबा आए हुए हैं, 3 मरतबा हमें झूठा आश्वासन दिया गया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन एक महीना लगभग बीत गया, आज तक समाधान नहीं हुआ है। और अब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि हमारा पहले समाधान होगा तब हम यहाँ से उठेंगे। और फिर आश्वासन दे के हटा दी गया, तो अगला कदम क्या हो? नहीं, अब आश्वासन जो था उनका एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तीन बार हम आश्वासन पर ऐसा गए हैं वापस, लेकिन ये आखिरी मरतबा है। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। पानी जैसी छोटी चीज़ के लिए, पतली चीज़ के लिए अधिकारी लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं। नगर निगम इतना बड़ा, एक दौर में हम भी सभासद रहे हैं, नहीं काम करवाया करते थे, काम करने का सीधा सिद्धांत होता है, या तो आप हाँ करिए या ना करिए, झूठा आश्वासन मत दीजिए। और अधिकारी हैं, पहले साहब GM नहीं हुआ करते थे, एक्सी हुआ करते थे, काम धल से हुआ करते थे। इतना बड़ा निगम, नगर निगम, इतने बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन काम के मामले में शून्य नतीजा, टाइट ऑफिस, जनता को पानी नहीं पिला पा रहे हैं।